गाइस, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं योग्रो ब्लॉग्स। आप सभी को राम राम। मैं आ गया हूं एक नए ब्लॉग के साथ में। अगर आपने डे टू का ब्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आता होगा, यहीं कहीं तो जाके चेकआउट कर सकते हो। वो अखिल के चैनल पे मिल जाएगा आपको। एंड आज से मैं शुरू करने वाला हूँ डे थ्री ऑफ इंडिया टूर। एंड बने रहिए और ब्लॉग को देखते रहिए। एंड गाइज, अगर यार आप सब्सक्राइब नहीं करो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया को ट्रैवल करने वाले हैं। एंड अभी हूँ फिलहाल मैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की कुछ टूरिस्ट प्लेसेस रह गई थी, उन्हें मैं कवर करूँगा। एंड देन वी विल गो टू द पानीपत। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, जो कि हमारे रूम के अंदर इंक्लूडेड था। जाके खाते हैं, देखते हैं आज क्या स्पेशल खाने में। सो गाइस, खाना वाला हमने खा लिया है, हम नीचे लंगर खा के आ गए थे। एंड अब सोचा अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा लास्ट 12 बजे हमारा चेकआउट है, तो हमें निकलना पड़ेगा। तो हम बस अब निकलते हैं। अभी हमारा जो सामान वगैरह पैक वगैरह कर रहे हैं, जो हमने खिंडाया हुआ था, बिखरा हुआ था, वो पैक करेंगे एंड देन चल पड़ेंगे स्नान करने ब्रह्म सरोवर। हमने रूम खाली कर दिया, अब हम निकलेंगे यहाँ से ब्रह्म सरोवर की ओर। कम ऑन अखिल, कम ऑन, लेट्स गो बड़ी। 12:30 खाना वाना खाया, एडिटिंग कर रहा था, थोड़ा टाइम लग गया उसमें, क्या कर सकते हैं। हम जा रहे हैं अब ब्रह्म सरोवर में स्नान करने। थोड़ी डुबकियाँ मारते हैं, साथ इक्की कितनी लगाते हैं मारेंगे एंड पाप धुलेंगे। इतने पाप किए हैं हम, पता नहीं कौन कौन से पाप किए हैं, बट सारे पाप धुल ले जाएंगे, हमारे धुल जाएंगे सारे पाप। अखिल भी करेगा पाप, सारे धोएगा अपन, हैं अखिले? मेरे कम है पाप तेरे ज्यादा, मतलब मानता तेरे है। वहाँ थोड़ा जा, थोड़ा इस साइड आ, साले तैरना ही तो नहीं आता इसमें, क्या तैरना, साले ऐसे जा। तो गाइस, हमने स्नान कर लिया ब्रह्म सरोवर में, नहा लिए, अब हम जा रहे हैं कृष्ण म्यूजियम, कृष्ण संग्रहालय। आपको वहीं मिलते हैं डायरेक्ट, ओके। म्यूजियम पहुंच गए, आपको दिखाता हूं पूरा मैं, पहले टिकट काट लेते हैं हम। सो फाइनली वी गॉट द टिकट, हम कृष्ण संग्रहालय की ओर। सो गाइस, हमने अंदर का कृष्ण म्यूजियम देख लिया है, बट ड्यू टू टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने कहा कि अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बट स्टिल मैंने ना कुछ वीडियो या फोटोज भी रिकॉर्ड कर लिए है, आपको मैं काइंड ऑफ सिनेमेटिक बना के आपको दिखा दूँ। क्यों अखिल, तो इसी पे बना ली तो मैं, सिस्टम है। हम अब चलते हैं भद्रकाली मंदिर। सो गाइस, माता जी के दर्शन हो गए हैं। एंड जो ये हरियाणा के जो शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र में, ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। जब महादेव माता सती को लेके घूम रहे थे पूरी सृष्टि के अंदर, तो उसमें से एक जो पैर जो कटा था, जो श्रीमन नारायण जी ने, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनके जो पैर को काट, मतलब पैर को काट के सब डिवाइड कर दिया था, तो उसमें से एक जो पैर है यहाँ पर गिरा था हरियाणा के अंदर, तो वो है ये शक्तिपीठ। अपना परिवार निर्मित नहीं करूँगा, हमारा जीवन ब्रह्मचर्य का निर्वाह करूँगा। ये वो जगह है जब भीष्म पितामह सही अब लेटे हुए थे, एंड उन्होंने अर्जुन को कहा था कि मुझे पानी पीना है, तो अर्जुन ने तीर मारा था और पानी का एक सरोवर कैंडो बना दिया था, तो वही ये सरोवर है ना, दिलचस्प, आओ कभी। और ये काइंड ऑफ जगह ऐसी है कि जो लोग जानते नहीं कुछ, तो भीष्म कुंड, बट आप नरकदार बोलोगे अपना पहुँचा देंगे। सो गाइस, हम उस जगह पहुँच चुके हैं जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को साक्षात गीता का उपदेश दिया था। तो चलिए हम आपको अंदर के दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं कैसा है अंदर से। तू ले ले, राम भक्त हनुमान, जय श्री राम। पार्थ सारथी बोले तो श्री कृष्ण भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब
अब आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, जो कि सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स है। लेट मी शो यू। धानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई मैदान होगा जहाँ पे ना महाभारत का युद्ध हुआ था, बट यहाँ पे आगे कुछ और ही सीन निकला। रिजर्व सीन क्या है मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे जैसे कि भीष्म पितामह की जो सैया है वो भाई साहब 5-10 किलोमीटर दूर है। जो भीष्म पितामह की जो सैया है वो 5-10 किलोमीटर है, एंड देन जहाँ गीता को उपदेश दिया तो वो उससे 5-10 किलोमीटर आगे है। जो मेन ब्रह्म सरोवर जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने जन स्नान किया तो वो 10 किलोमीटर आगे है। मतलब आप सो सकते हो। तो पूरा कुरुक्षेत्र जो है ना, पहले घर वगैरह कुछ नहीं होते थे, पूरा कुरुक्षेत्र जो भी जो है जहाँ पे घर वगैरह बस गए, रोड वगैरह बन गई है, चौकस वगैरह बन गए, तो वहाँ पहले कुछ नहीं था, मैदान था। तो उस धरती पर ही लोगों का आज घर बन चुके हैं। तो फिलहाल स्पेसिफिक ऐसा कोई मैदान नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पे युद्ध हुआ था, बट युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। प्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों हमारे साथ अभी एक मस्त इंसिडेंट हुआ। हम निकल रहे थे पानीपत की ओर, बट हमारे अखिल भाई साहब ने वहाँ पे दो आंटियाँ बैठी थी, उससे जाके गुफ्तगू करी इसने, और उसने पूछा कि शाम को रहने का सकता है। उनसे मुल्ला मैंने पूछा कि मंदिर में रह सकते हैं। आंटी बोलती रह तो सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर बंदर बंदर मतलब वो नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है स्मार्टफोन की। फिर बोलती वो सामने है, वहाँ पे रह सकते हो, फ्री सब कुछ रहना, फ्री खाना, फ्री। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार भाई के लिए, यार दोस्त के लिए, जो भी मानते हो ना उसके खातिर एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपको डे टू की वीडियो देखनी है, अखिल के चैनल पर है, मैं आपको ऊपर एक बटन पर कहीं लिंक डाल दूँगा, अगेन जाके चेक करना ना भूलें। सो तब तक के लिए stay tuned for our next vlogs. Bye-bye. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard.